सबसे पहले एंगेजमेंट फंक्शन पे जा रहे हैं। मामा यहाँ पे बैठी हैं वीआईपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर पैच मजे में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। यहाँ पे आ गया है जेजी मेरी फ्रेंड। आज का दिन, ईद का दूसरा दिन होने जा रहा है और मैं उठी हूँ और मामा ने मुझे जल्दी उठा दिया, पता नहीं क्यों। और ये देखे कपड़े आयरन हुए हैं और पैर, मुझे थोड़ा हिंट मिल रहे हैं कि सफाइयाँ भी हो गई हैं, आ गई हैं। मामा बैठी हुआ ना से फ्रंट है, बैक बैक है आपके ऊपर। मेरे ऊपर क्यों है अम्मा, बात सुनो, बताओ। स्टार्ट ही बैक से हुआ अम्मा, ऐसा हुआ बैक से ही हुआ स्टार्ट। तो जल्दी उठा के उठा दिया मुझे अभी का। ये 12:30 एक होने लगे पता, ये जल्दी नहीं होता, लोग भी हैरान होते हैं जब ये, तुम कहती हो कि जल्दी होता है, ये जल्दी होता है सुबह 3:30 बजे। उसे हम सही थे, बताओ अब क्या करूं। सुबह उठते ही चुचो जो कह रही है, मैं वो खा रही हूँ, बंद कर दो। ये देखने दीदी क्यूट सा लग रहा है अभी तो फ्रेंड, ये और क्यूट लगेगा नए कपड़े पहन के। मैंने भी पहने, मामा ने भी, ऑब्वियसली मैं क्या अजीब बातें कर रही फ्रेंड। आज आपको पूरा दिन साथ रखते हैं। मामा दीदी का सूट अंदर ही है अम्मा। फ्रेंड्स मैं बाहर आ रही हूँ, फ्रेंड मैं बाहर फ्रेंड, बिल्कुल भी फेक नहीं था ये, और सफाइयाँ हो गई नहीं यार, इट फील सो गुड। अम्मा ही वरना हग जी हमें पीछे अगर शीशे में थोड़ा भी देख पा रहे हैं उधर कैसे हमें छुट्टी डाल दे मम्मा। अरे तीन कूलर ने ठंड कर दी हुई थी ना, कि मेरी गर्दन में और बाजू में बड़ी दर्द हो रही है। मामा ने यहाँ पे दीदी के फीटर भी धो के रख दिए। ये देखे फ्रेंड, इससे पता चलता है कि कपड़े इतनी हो चुके हैं, अगर मैं अंदर ना भी देखती पर मामा ने स्पेशल दरवाजे पे टांगे कि आमना उठते ही नजर आए। मामा मुझे कह रही आमना बड़े काम है, उठ जाओ कपड़े भी। मैं कह रही मामा कपड़े भी इस्तरी करनी है, करने हैं, बर्तन भी धोती है। हाँ चलो आओ चलते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन दिखाते हैं। भाई फ्रेंड देखें तो कैसे साफ सुथरा किचन, इट फील सो गुड। मामा ने मेरे साथ लेटर लेटर डील किया, आमना तुम ना मैं सारी सफाइयां कर दूंगी अगर तुम मुझे एक पराठा मंगा दो। तो मैं कह रही हूँ बर्तन भी तो है ना, मामा के तीन बर्तन थोड़े से। फिर मैं कहती हूँ ठीक है मैं पका देती हूँ पराठा, और मामा जो है अपना वो करनी सफाइयाँ, अपना वो करना सफाइयाँ। तो बाद में मामा को तो कंफर्म हो गया था, क्योंकि मामा ने तो कपड़े कर लिए, सफाइयाँ भी कर दी थी और बर्तन भी धो दिए हुए थे। मामा को पहले ही फ्रेंड जब पता है कि मामा को क्या मिलने वाला रास्ते में, मामा ने बल्कि खुद ही बताया फ्रिज में क्या क्या चीज़ें, आम वगैरह, आम पड़ा हुआ। हाँ आम पड़ा हुआ। हाँ तो पराठे के साथ आम दे दो, और क्या दोगी साथ में, निकालूं चीजें ये लो, पूरा दिन में। हाँ ये अचार होगा साथ में, अचार तो जेजी ने अभी यही पकड़ लेना, और साथ में क्या होगा, चलो लेट्स सी क्या होगा। अंडा फ्रेंड ये है जी हमारा नाश्ता, पराठे, अंडे, अंडे ही हैं फ्रेंड से, मैंगो, चाय, अचार, पानी। एंड अब नाश्ता करके तैयार होंगे और फिर देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। हम बता दें पहले ही कहाँ जा रहे हैं हम। हाँ किधर जा रहे हैं हम, एंगेजमेंट फंक्शन पे जा रहे हैं। रुको कूलर बंद करके आऊँ। फिर हम नाश्ता करने के बाद तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, एंगेजमेंट फंक्शन पे जा रहे हैं। मेरा हाल स्टार्ट में क्लिप लगा होगा, ये पॉसिबल है क्या, किधर हम गए। हाँ पॉसिबल है, और फिर आपको फ्रेंड नाश्ता करके मज़ेदार सा, मैं क्या सा ऑमलेट बना, सिर्फ फ्रेंड इसमें ऑलिव्स और कोरिएंडर है। ब्रेकफास्ट कर लिया था और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप, और पता नहीं क्यों
अच्छा मेकअप नहीं होता जब ईद वगैरह कुछ होता है, वैसे कहीं बैठ जाते हैं कितना अच्छा मेकअप होता है। वैसे ईद वगैरह पे पता नहीं क्या कह रही मैं, लेकिन इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा मेरे मेकअप नहीं पा रहा। मुझे रिजल्ट अच्छा आ रहा कि किधर से अच्छा आएगा फ्रेंड, मैं अच्छी नहीं लग रही, कैसे अच्छा आएगा? बालों का कलर कितना प्यारा लग रहा है माँ, मैंने ऐसे लोगों का आप योग करो कि मैंने कलर क्या आया वहाँ कभी भी ना फ्रेंड। फ्रेंड ये मिडिल क्लास बेचारे ऐसे तैयार होते हैं, ये देखें टेबल कहाँ रखते हैं, ये मिरर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे लाइट भी, जैसे मुझे बाद में नजर आना बंद हो जाए फ्रेंड, इतनी हम बेचारे क्या करें फ्रेंड्स। और ये जेजी को स्लैंटी दी है, राम स्कून से माशाल्लाह खा रहा है। कूलर चला नहीं कर, अभी इसको मैं वो कर देती हूँ कोक डाल देती हूँ, कहता उसको कूलर चला दो। और मैं फ्रेंड्स नमाज पढ़ने लगी, फ्रेंड मैंने नमाज पढ़ ली माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज मगरिब की हमारी कज़ा हो जानी फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग ऑन वे हैं और ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई है आमना की, मेरी मतलब हमारी दोनों की फ्रेंड्स एक जैसी हैं, वो एज ज़्यादा एज कम है वो मैटर नहीं करता। और एक ये मेरी फ्रेंड आगे बैठी हुई है, ये बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन अब इन्होंने सामने नहीं आना ना तो इसलिए इनके उधर शीशे में। हाँ तो ये हमारा जेजी, जेजी ने तो 1300 मैचिंग पहनी हुई है, वाह। फ्रेंड मैंने आपको कुल्लू वहाँ पे जाके दिखाते हैं और मैं बताऊँ कि इतनी सर्टिफाई नहीं हो पा रही अपनी लुक से बिकॉज ऑफ दिस वन एंड वन, सो वहाँ चल के आपको मिलते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सबसे पहले, और सबसे पहले दिस इज एन अमेजिंग थिंग हैपेंड टुडे फ्रेंड, ये है मेरी लुक, आई एम लुकिंग, हाउ आई एम लुकिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड, बट शी टुक, ये देखो फ्रेंड जी आप हाल देख सकते हैं और आपको दिखाते हैं। ओ मेरा जेजी, जेजी इतना रफ हो गया ना, जेजी रास्ते में सो गया था, मेरा बेबी कूट बेबी ने इतना बड़ा रोमपर पहना था और शेष टाइप भी ख़राब हो गया था। और फ्रेंड यहाँ पे फूल रेडी हो रहे हैं क्योंकि लड़की वालों को ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ मामा की लुक आपको दिखाने जा रही हूँ मैं, ये देखिए मामा चल के जा रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। मामा ने पहना है शरारा विद वेरी वेरी प्रीटी शर्ट फ्रेंड्स, शुक्र है इन्होंने लाइट चला दी है, अब रिजल्ट भी अच्छा आएगा, हम अच्छे से नज़र भी आएंगे, ये देख सकते हैं हम। खड़े होके दिखाएं, प्यारी सी फ्रेंड ये देखिए मामा बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब हम पिक्चर्स थोड़ी सी क्लिक करते हैं, फिर आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। और काफ़ी सारे लोग आने लग पड़े हैं, पता नहीं अब ये लड़की के साथ क्या लड़की के, जेजी बड़ा इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसको खुली डुली जगह मिली हुई है, ये देखें अच्छा अच्छा, ये देखें कितना क्यूट लग रहा है अल्लाह। और फ्रेंड मेरा मुझे लगता है पसीने आके ना मेकअप यहाँ पर ही खत्म हो, ये देखें सीढ़ी चढ़ने वाला मामा यहाँ पे बैठी हुई हैं वीआईपी फुल बन के। मेरी फ्रेंड्स कुछ पिक्चर्स ली हैं मैंने, वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्यों क्या बोलूँ मैं, क्योंकि हाँ ब्राइडल आएगी, हम ब्राइडल को दिखा नहीं सकते, दिखा दें हाँ उसका ड्रेस वगैरह आपको दिखा देंगे, ये देखें ये देखिए फ्रेंड बहस हो रही है जी जी, लाइट नहीं हो रही, फ्लावर्स के साथ पिक्चर खींच ली हैं ऑलमोस्ट आई थिंक एक घंटा तो हमें हो ही गया है वे,
लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया और पता नहीं गर्मी बहुत लग रही है। मेकअप देख सकते हैं आप, मेरा ऑलमोस्ट उतर गया है। करने को नहीं है तो यहाँ पे चल रहे हैं सारे, वॉक कर रहे हैं। ये देखें जेजी बहुत एक्साइटेड है, ये देखें। खाना लग चुका है, मामा ने खाना स्टार्ट भी कर दिया और बहुत ज़्यादा जूम आ रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे झूले का टेबल है, जो भी फ्रेंड्स बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ लोग तो मैं ओपन नहीं करूँगी। और यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं और खाना खा के आपको रिव्यू देते हैं अभी कि खाना कैसा है। अभी से आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल के साथ। मामा ने मुझे कहा कि खीर या फिरनी होगी कुछ ऐसा, मैं ज़्यादा जूम नहीं करूँगी। क्या कहते हैं, खीर या फिरनी होगी। और मैंने कहा मामा अल्लाह करे आइसक्रीम निकल आए, अल्लाह करे आइसक्रीम हो। तो फ्रेंड्स हर वक्त इसलिए कहते हैं अच्छा सोचना चाहिए जी, हर वक्त इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए ताकि आगे ज़्यादा अच्छा हो। ये देखें आइसक्रीम, फाइनली माय फेवरेट थिंग इन दिस वर्ल्ड आई थिंक। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आइसक्रीम का। वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। खाओ खाओ फ्रेंड। ये देखें हमने आइसक्रीम डाली और मुझे फ्रेंड अभी फ़िलहाल कोई शर्म नहीं है पूरी आइसक्रीम खाने, लेकिन मुझे फ्लेवर नहीं पसंद आया फ्रेंड। मैं उस टाइम पर लाई, ये भी बोल देती कि आइसक्रीम और साथ में मेरा फेवरेट फ्लेवर हो, लेकिन नहीं, एनीवेज नहीं खानी उसने। फ्रेंड हमने खाना खा लिया था और खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम बहुत ज़्यादा थक गए, जेजी तो सो भी गया, ये देख सकते हैं आप। और मामा यहाँ पे बैठी हुई हैं। और फ्रेंड्स अब आपको ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल